अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू नेवर मिस एनी अपडेट्स फ्रॉम माय चैनल। एज यू ऑल नो दैट इन प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड हाउ टू कैलकुलेट यूनिट वेट ऑफ स्टील इन केजी पर फिट एंड टुडे आवर वीडियो इज अबाउट द डेरिवेशन ऑफ फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग यूनिट वेट ऑफ स्टील इन केजी पर मीटर। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो फार्मूला ड्राइव करेंगे और साथ में केजी पर मीटर में अगर आपको स्टील निकालना हो तो वो कैसे निकाला जाता है। तो उसके लिए एक फार्मूला है, जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पर, ये d² / 162। ये फार्मूला है जो हम यूनिट वेट ऑफ स्टील निकालते हैं इन मीटर। हमने ये फार्मूला ड्राइव करना है। तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये एक बार है, उसका कट पीस है। तो ये बार का जो हमारी डेंसिटी होती है, स्टील की जो हमारी डेंसिटी होती है, वो होती है 7850 kg/m³। और हमने इस फार्मूले में जो भी वैल्यूज़ पुट करनी है उनको मिलीमीटर में पुट करना है। तो एक मीटर में 1000 mm होते हैं। तो अगर एक मीटर में 1000 mm होते हैं, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि kg/m³ है, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 7850 ÷ 1000 × 1000 × 1000। तो इस तरह हमारे पास ये फार्मूला kg/mm³ में आ जाएगा। फार्मूले को हम ड्राइव इस तरह करेंगे कि वेट का फार्मूला होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो जो वॉल्यूम का फार्मूला है वो है एरिया इनटू लेंथ और फिर मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी। तो एरिया जो है हमारा जो बार है उसका, जो अगर आप टॉप से देखेंगे तो वो इस तरह की नज़र आएगी। तो जो हमारा सर्कल का एरिया होगा वो हमारा होगा पाई डी स्क्वायर बाई फोर मल्टीप्लाई 1000 mm, जो हमारी इस बार की लेंथ है। क्योंकि लेंथ हमारी एक मीटर में है, तो फार्मूला जो हमारा ड्राइव होगा उसमें मिलीमीटर में हमें लेंथ चाहिए। तो हम इसको एक मीटर को 1000 mm भी लिख सकते हैं। तो ये हमने लेंथ हमने यहाँ से ले ली 1000 mm और मल्टीप्लाई डेंसिटी जो कि हमने ये निकाली है, तो ये डेंसिटी हमने यहाँ पुट कर दी। इसको जब हम पूरी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये वैल्यू आ गई। तो अब हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, डी स्क्वायर एक साइड पे कर दिया और मल्टीप्लाई जो हमारा इसका और इसका जो सम आ गया वो हमने ये लिख लिया, ठीक है। तो इसको हम एक तरीके से लिख सकते हैं कि डी स्क्वायर, इसको अगर हम नीचे डिवाइड करेंगे तो ये 1/ ये वैल्यू आ जाएगी, जैसा कि आप देख रहे हैं ये वैल्यू, ठीक है। तो इस वैल्यू को जब आप सम करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा, d² / 162.29। तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं d² / 162, जो कि हमारे पास फार्मूला आ गया कि अगर आपने यूनिट वेट ऑफ स्टील निकालना है मीटर में। जैसा कि अगर आपके पास एक बार है मीटर में, जैसे 12 m की एक बार है, उसकी अगर आपने यूनिट वेट निकालना है तो उसके लिए ये फार्मूला आपका यूज़ होगा। तो मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे के थोड़ा समझा दे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले लें एक 8 mm की बार, ठीक है। अब हमने इसका हमने यूनिट वेट निकालना है, मतलब कि 1 kg/m। एक मीटर में इस बार, जैसे एक बार की जो टोटल मार्केट में स्टैंडर्ड साइज़ होता है, इसकी जो टोटल लेंथ मार्केट में अवेलेबल होती है वो होती है 12 m। तो हमने 12 मीटर में इस बार का वेट निकालना है कि जैसे अब एक मीटर बार है और उसका एक मीटर में कितना केजी वेट होगा एक मीटर में। तो उसके लिए ये फार्मूला यूज़ होगा, d² / 162। इसको आप d² मतलब 8 mm, ठीक है। अब 8 × 8 / 162, क्योंकि हमने ये, आपको पता होगा फार्मूला, जो हमने ये चीज़ ड्राइव की थी ये हमने मिलीमीटर में की थी। तो ये इसके जो डाया आ गया वो 8 mm × 8 mm / 162। जब हम इसको सम करेंगे तो इसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 0.0395 kg/m।
अच्छा, इससे हमें एक चीज़ पता चली कि अगर हमारे पास 1 मीटर की कट लेंथ होगी तो उसका हमारा जो 8 मिलीमीटर की बार होगी उसका वेट आएगा 0.395 kg/m। अब आपने अगर आपने 10 मिलीमीटर या इससे ज़्यादा की बार्स का वेट निकालना है तो उसके लिए आपको खाली यहाँ पर डायमीटर चेंज, अगर हमने 10 मिलीमीटर का करना है तो यहाँ पर 10 × 10 / 162 करेंगे तो हमारे पास उस बार का kg/m उसका हमारे पास वेट आ जाएगा। अब आपको मैं एक और चीज़ बताता चलूँ, अभी जैसे मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ कि अगर ये बार है, एक ये हमारी एक बार है 8 मिलीमीटर डाया की, ठीक है, तो इसकी जो स्टैंडर्ड लेंथ है जो मार्केट में होती है वो है 12 मीटर। इसका हमने वेट निकालना है इस पूरी बार का, तो इसका फार्मूला वही फार्मूला d² / 162 × लेंथ ऑफ बार। तो लेंथ ऑफ बार, तो d² क्या हो गया, 8 × 8 / 162 लेंथ ऑफ बार क्या आ गई हमारे पास 12 मीटर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर, तो इसका हमारे पास आंसर आ गया 4.74 kg। तो हमारे पास इस बार का जो वेट आ गया, जो 12 मीटर की स्टैंडर्ड साइज़ की बार होती है kg/m में, मीटर में, तो वो हमारे पास वेट आ गया 4.74 kg। अगर आपको इस वीडियो में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।